जवान कब रिलीज होगी? मतलब इतनी सारी बड़ी फिल्में एक साथ एक साल में आ रही है, तो क्या शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज डेट को बदला जाएगा? वेल, ऐसा तो अभी तक सुनने में नहीं आया, पर हाँ, आप सब लोग यही मानो कि 2 जून को आएगी जवान, क्योंकि इस साल बॉक्स ऑफिस पर खाली शाहरुख का ही नाम है। इतने टाइम से ठंडे पड़े बॉक्स ऑफिस को पठान ने पैसों से रंग दिया था, अब इसका मतलब छप्पर तो फटा ही फटा, टीन भी उड़गी। इस बार पूरी तैयारी है, क्योंकि जवान किसी से डरने वाला नहीं है। अभी रिसेंटली सलार की रिलीज डेट अनाउंस हो गई और वो जवान के आसपास भी नहीं है। खाली यही रीजन नहीं है, बल्कि हर बार बॉलीवुड तो साउथ की रीमेक करता है और पिट जाता है, पर इस बार उन्होंने डायरेक्टर ही ले लिया साउथ वाला, मतलब कंटेंट होगा बिल्कुल ओरिजिनल। बाकी फिल्म के टाइटल से इतना तो समझ आ गया है कि मूवी होगी सोल्जर बेस, और अगर टाइटल जवान है तो देशभक्ति तो होगी होगी। आमिर खान की गजनी के बाद एक ट्रेंड ही बन गया था कि विलेन के नाम पे होगा मूवी का नाम, पर वो तो एक ट्रेंड था, अब जो चल रहा है ये एक एरा है। जवान मतलब क्या ही कहने। वैसे देखा जाए तो पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो कि बम्पर थे, जवान की भी हाइप बनी हुई है, वरना क्रिटिक्स का क्या ही कहना। अगर पठान नहीं चलती तो जवान के तो पसीने ही छूट जाते, और ये भी हो सकता था कि इसको रिलीज भी 2024 में किया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, तो डोंट वरी, जवान तैयार है आपको हिलाने के लिए 2 जून को। बाकी एक न्यूज और है कि विजय सेतुपति, हाँ भाई ये भी है जवान में, विक्रम मूवी में विजय सर का काम मतलब क्या ही कहने, और फर्जी में इनकी हिंदी, भाई लोग दीवाने हो गए थे। पर अभी तक इनके रोल के बारे में ज्यादा तो बताया नहीं है, पर हाँ जिस कैरेक्टर में है उस कैरेक्टर का नाम है मकल सेल्वन। कुछ ट्रेंड सा नहीं बन रहा है पैन इंडिया को लेकर, पर आप लोगों ने ध्यान तो दिया ही होगा। देखो जैसे सलमान की मूवी में रामचरण का कैमियो, चिरंजीवी सर की मूवी गॉडफादर में सलमान का कैमियो, मतलब नॉर्थ और साउथ एक साथ, अच्छा है ना। विजय सर की एक्टिंग के बारे में तो बताने की जरूरत भी नहीं है, उनके नाम से बड़ा उनका काम है, और काम तो हम सबने देख ही रखा है। बाकी शाहरुख खान पठान में ही पता चल गया था, अब जहाँ कलेक्शन बात कर रही है तो वहाँ हम क्या करें। और देशभक्ति वाली मूवीज का सीन तो सेम ही रहता है, एक या फिर बहुत सारे विलन्स होते हैं और एक हीरो, एंड प्रेडिक्टेड सा होता है, बट इंटरेस्ट कहाँ आता है जर्नी में, कि उस एंड तक हीरो जा कैसे रहा है। सही कहा ना, ये पूरा साल लगता है रहेगा शाहरुख खान का, क्योंकि भाई इस साल 3 फिल्में हैं इनकी। पठान तो कर गई अपना काम, जवान आने वाली है और छाने वाली है, पर भाई सबसे ज्यादा इंतजार है डंकी का, भाई राजकुमार हिरानी की डंकी मूवी, क्योंकि ये जब भी फिल्म लाते हैं एक मूवी भाई सालों साल याद रहती है, क्योंकि हर टाइम वायलेंट मूवी देखने वाली ऑडियंस कम है। पर फैमिली सिनेमा और एंड में सोशल मैसेज वाला सीन, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस टाइप का सिनेमा पसंद है। शाहरुख, सलमान, प्रभास तीनों इस साल आ रहे हैं और लोगों को तो वेट है ही है, खासकर प्रभास का। प्रशांत नील की सलार मतलब KGF 2 के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, नॉर्थ में प्रभास को यही फिल्म बचा सकती है, क्योंकि आदि पुरुष के साथ जो 500 करोड़ का मजाक किया है उसके बाद तो जितनी तेजी से कोई आता है उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। एंड में बस इतना ही, जवान आने वाली और ट्रेलर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं, तो वेट करो जैसे सब लोग कर रहे हैं। बाकी बात और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।